हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से वापस आ गई एक छोटू सा ब्लॉग के साथ। मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्यों खुश हूँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा टिकट हो गया है और मैं फाइनली छठ पूजा में घर जा रही हूँ। इट मीन्स मैं ससुराल जा रही हूँ और पहली बार मैं अपने ससुराल में छठ पूजा मना रही हूँ, तो ये भी एक खुशी है। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा एक पर्व है जो यूपी बिहार के लोग बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं। इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है, उनकी उपासना की जाती है, व्रत रखा जाता है और प्रसाद बांटा जाता है, बनाया जाता है। तो बहुत, मतलब बेसिकली बहुत मजेदार पर्व है। हम यूपी बिहार के लोग कहीं भी रहें ना, किसी भी कोने में रहें, छठ पूजा में हम घर वापस आते ही आते हैं। तो समझ लो कि मेरी भी घर वापसी है। थक गए मैं बोलते बोलते। मेरी पैकिंग बाकी है, तो मैं सोची मैं आपके साथ ही पैकिंग करती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि मैं छठ पूजा में क्या क्या पहनने वाली हूँ। ऑप्शन में मैं इतने सारे कपड़े रख ली हूँ ना कि मुझे डाउट ही है कि मैं जो डिसाइड कर रही हूँ वो मैं पहन पाऊँगी या नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट डे फेस्टिवल के, आई मीन पर्व के, छठ पूजा के पहले दिन मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। दूसरे दिन मैं ये आउटफिट पहनने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा एक अनारकली सूट है। और तीसरे दिन मैं ये बहुत ही प्यारा सा साड़ी है जो मैं अपने तीज में पहनी थी, ये साड़ी पहनने वाली हूँ। और चौथा जो ड्रेस है ना, मेरे ससुराल से ही वापस, मतलब ससुराल वाले ही मेरे लेकर आ रहे, तो चौथा मैं वहाँ आपको दिखाऊंगी कि मैं फोर्थ ड्रेस मेरा क्या होने वाला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो फाइनल है। अब तो बाकी तो आप देख ही रहे हो कितना सारा मैं पैक की हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच में ये पहन पाऊंगी कि नहीं, बट हाँ सेकेंड और थर्ड डे का तो श्योर है कि आई होप कि मैं पहन लूँ ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर जा रही हूँ। तो हो गया मेरी पैकिंग डन। सब्जी बना रही हूँ, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। अब मिलते हैं कल, बाय।